stop streaming over there. And yes, ड्यू टू वाई फाई इशू के कारण, नेटवर्क नहीं होने के कारण हमारा कनेक्ट हो गया था, डिस्कनेक्ट हो गया था, तो हम दोबारा कनेक्ट किए हैं। वो विभिन्न बिंदुओं पर हम दोबारा चर्चा कर लेते हैं। अभी हम बातें कर रहे थे, जो लोग भी कोई भी अगर ओमार सीट पर धार्मिक चिन्ह या कुछ भी आप पर लिखते हैं, ए बी सी डी अपने आपके कुछ भी जो यूज होता है, तो जो है सॉफ्टवेयर जो है ऑटोमेटिकली उसको रिजेक्ट कर देता है। जो भी चिन्ह बनाने वाले जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो रिजेक्ट कर देता है। ये पटना में अंकित जो निर्देश पालन किया गया है केंद्रीय चयन पर्षद जो आपके सिपाही के अध्यक्ष कमिश्नर जितेंद्र कुमार ने बताया कि प्रवेश पत्र, प्रवेश आपका जो प्रश्न पत्र है वो मार्क शीट पर जरूर निर्देश अंकित होते हैं, इसका अनुपालन अभ्यर्थियों को अक्षर से आपको यानी वर्ड बाय वर्ड आपको करना है करें। सिपाही के 21,000 से अधिक पदों के साथ अगस्त से लिखित परीक्षा आप लोग को स्टार्ट होने वाली, 2 दिन के बाद आपको परीक्षा लिखित होने वाले, उसमें होम मार्कशीट में भरने वाले अभ्यर्थियों को पार्षद के कक्ष में आपको जो है पेन या पेंसिल का उपलब्ध कराया जाएगा। तो इसलिए एक्स्ट्रा आपने छेड़छाड़ी मत कीजिए, कुछ भी आप एक्स्ट्रा नहीं लिखना है। मैं यही आपको चर्चा कर रहा था, आई होप कि इस बार आपको क्लियरली वॉइस जा पा रहा होगा। हाँ, जितने लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं एक बार क्लियर बता दीजिएगा, इज इट वॉइस ओके और नॉट। आप अपने क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, मैंने विभिन्न बिंदुओं पर आपको चर्चा किया था, फिर से हम एक बार रिपीट कर देते हैं। वन सीट वन कैंडिडेट के लिए आप लोग के लिए बहुत सारे अब टीचर्स हैं, चाहे पटना हो या दिल्ली के हैं, वो आप लोग के सहयोग में अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, जो कि हो सकता है आप लोग के पक्ष में आएगी। अब सरकार तक ये बातें भी जाएगी तो आप लोग के पक्ष में एक गुड न्यूज़ निकल के आएगी। ये लगभग 40 से 45 हज़ार लोगों को बेनिफिट होगा। चलिए, 40 अपन अपने क्वेश्चन पुट अप कीजिएगा, मैं अपने सारे बिंदु को आपको कंप्लीट कर देता हूँ। बीच में अगर कोई वाईफाई इशू होता है तो आप मैसेज कर दीजिएगा, आवाज़ अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो बता दीजिएगा, क्योंकि अभी नेटवर्क थोड़ा यहाँ पर डाउन है बारिश होने के कारण, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स हैं। चलिए, ये सारे बिंदु थे। नेक्स्ट है आपका वन सीट वन कैंडिडेट में आप लोग की गुड न्यूज़ है, आप लोग के पक्ष में जा सकती है। नेक्स्ट है कटअप में बदलाव होगा, कटअप और डाउन होगी, अगर कोई भी धांधली नहीं हुआ होगा, कोई ऊपर ऊपर नीचे नहीं होगा, कोई इंटरनली धांधली नहीं होगा, ऊपर से आप लोग को देखने को नहीं मिला आउटर, लेकिन इंटरनली बहुत सारी चीज़ें हुई है। टीआरई वन में भी हुई थी, टीआरई टू में भी हुई थी। लोग अब अतुल प्रसाद जाने के बाद और पेपर टू आपका पेपर थ्री लीक होने के बाद ये सारी चीज़ें उजागर हुई है, और अभी भी ये सरकार संज्ञान नहीं ले रही है, सरकार अपने ऊपर नहीं ले रही है, वो अलग बात है, वो अलग जजमेंट है। बीपीएससी भी ये कभी नहीं बोलेगी, कभी भी कोई भी बिल्ली या कोई भी कुत्ता या कोई भी चोर नहीं कहता कि मैं चोर हूँ, इस तरह से कह सकते हैं। और चलिए आगे बातें करते हैं, इतने दिनों में आपका आंसर की जारी हो जाएगा, ओमार सीट भी आपका जल्द ही आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट वीक आपको है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक 3 दिन के अंदर आपको सारी चीज़ जारी कर दिया जाएगा, और आपका आंसर की ओमार सीट आपको देने के बाद 3 से 4 दिन आपको दिया जाएगा कि आप अपना आंसर की चेक कीजिए, आराम से चेक कीजिए, देखिए मिलाइए कितना नंबर है, उसके बाद आपको एग्जैक्ट नंबर पता चलेगा कि हाँ मेरा 70 अभी किसी टीचर से आपने यूट्यूबर से या खुद से आपने मिलाया होगा तो 72 है, तो हो सकता है बढ़ करके आपको 75 हो गया हो, हो सकता है वो घट करके 69 हो गया हो, 3-4 नंबर का डिफरेंस देखने को मिलेगा। 3 से 4 क्वेश्चन आपके गलत भी होंगे, जो कि बीपीएससी जानबूझ के गलत करेंगे, या फिर कुछ आपको साक्ष्य मांगा जाएगा, प्रूफ मांगा जाएगा, एनसीईआरटी का आपको प्रूफ देना पड़ेगा। मैंने लास्ट टाइम टीआरई वन और टीआरई टू के दौरान भी काफ़ी लोगों का हेल्प किया था, और मैंने खुद प्रूफ दिया है काफ़ी लोगों का, तो वो आप प्रूफ दे करके 3 से 4 क्वेश्चन आप सही करवाएंगे। एक एक नंबर का यहाँ पर इंपॉर्टेंस रहेगा, जिनका कट ऑफ से बहुत ज़्यादा या फिर कट ऑफ के आसपास में नंबर बन रहा है, 4 से 5 नंबर का जिनका डिफरेंस है, वो लोगों को बहुत वहाँ पर हेल्प करेगा ये एनसीईआरटी। आपको जो आपका थर्ड वीक यानी सेकेंड वीक में आपका 10 के अगर आसपास में आंसर की आपको मिल जाएगा, आंसर की जो है आपका और रिजल्ट आपको थर्ड वीक में आपको देखने को मिलेगा, रिजल्ट आपको थर्ड वीक में देखने, तीसरे सप्ताह में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं ऑलरेडी न्यूज़ में प्रकाशित किया, और 50% रोस्टर के साथ आएगा, जिससे ये बेनिफिट होगा आप लोग को कि जितने अदर स्टेट वाले हैं या यूआर कैंडिडेट वाले हैं उन लोगों को बेनिफिट बहुत ज़्यादा तगड़ा बेनिफिट होगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। चलिए आपके क्वेश्चन कुछ ले लेते हैं, फिर आपके हम मैंने आपके मेन पॉइंट्स पर बात, कुछ पॉइंट्स मैं आपका क्वेश्चंस मैं आपको देख रहा हूँ, डोंट वरी आप इधर उधर भटकिएगा मत, आपके ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पर भी हम देख लेते हैं। जो टीआरई 4 के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहाँ से जा करके आप सभी चीज़ को देख सकते हैं, और कम्युनिटी पोस्ट में हम डेली 3 से 4-5 क्वेश्चन हम जब भी टाइम मिलता है मैं देता हूँ, उसका भी जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। ये GK GS का करंट अफेयर से संबंधित रहता है, उसका आप जवाब दीजिएगा, अभी नेट स्लो होने का नहीं, ये खुल नहीं रहा है, तो आपको शायद आवाज़ भी क्लियर जा रही होगी। चलिए, महेश मंडल 628 में आपका साइंस में बन रहा है कितना नंबर, देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चन मैंने दिया है, आप इसका भी जवाब दे सकते हैं। EBC में आपका 672 में हो जाएगा, EBC में देखिए आपका कटअप जो है EBC का इस तरह से रहने वाला है,
68 का। आप लोग के साथ रहता हूँ ऑलरेडी, मैं हैं इस फील्ड में हूँ काफ़ी सालों से, तो मुझे आइडिया है। ये इससे ज़्यादा नहीं जानने वाली है आपका मेल और फीमेल का। अगर इंटरनली कुछ होता है, अगर आप गवर्नमेंट ही आपको, मतलब एक कहते हैं भगवान ही आपको आपको मारना चाहता है या डुबाना चाहता है, तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता है। बस आपको बस इस पर विश्वास रखना है। वन सीट वन रिजल्ट के लिए अभी आप डिमांड करते रहिए जब तक कुछ आपको फाइनल नहीं होता है, एक चीज़ है। और दूसरा, आपका जब रिजल्ट आता है तो सबसे पहले डीबी की डिमांड कीजिए। डीबी उसमें